हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मैथ जैम अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन दी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड

सो so, हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर कंडक्टिंग मीडियम एक कंडक्टिंग मीडियम के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है जो पैरामीटर्स होते हैं वो किस टाइप से होते हैं तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए म्यू यानी कि मैग्नेटिक परमिटिविटी इट इज रहती है जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो भी इट इज रहती है बट रोज हो ना चार्ज डेंसिटी जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाता है जे जो होता है यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है उसका वैल्यू सिग्मा इंटू ई वैक्टर हो जाता है और जे डी जो होता है यानी कि सिग्मा यानी कि जो करंट डेंसिटी जो है एक डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए वो हमेशा वो यहाँ पे नॉन ज़ीरो रहती है तो जब भी ये सारे पैरामीटर्स हम मैक्सवेल की फोर इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सबसे पहले रो को जीरो करते हैं हमारे पास में जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है इट विल बी ज़ीरो ओके एंड देन सिमिलरली इसके बारे में बात करते हैं तो मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन वैसे भी जीरो होता ही है इसमें तो ओके दिस इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड देन अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेल क्रॉस ई वैक्टर के बारे में तो डेल क्रॉस ई वैक्टर जो है उसमें बी वैक्टर है यहाँ पे तो अब यहाँ पे डेल क्रॉस बी वैक्टर है तो एज इट इज लिख देंगे और एक्चुअली यहाँ पे हम बी वेक्टर को एच वेक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस म्यू और यहाँ पे आ जाएगा डेल बी वेक्टर अपॉन म्यू से हम क्या करेंगे एक बार डिवाइड करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो एच वेक्टर जो होता है उसका मतलब होता है बी अपॉन म्यू ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर थ्री एंड देन इक्वेशन नंबर फोर्थ की बात करते हैं जहां पे हम जे का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे ओके यहाँ पे भी हम बी को एच में कन्वर्ट कर देंगे तो सिमिलरली वही करना है यहाँ से जो म्यू है इन दोनों म्यू को डिवाइड कर लेंगे उसके नीचे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एच वैक्टर में कन्वर्ट होगा और जे की जगह हम यहाँ पे सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इन ये हो जाएगा यहाँ पे ई वैक्टर एंड प्लस हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन इनटू डेल ई e वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा डेल

तो यहाँ पे क्या करते हैं on taking, हम हम पे लिखेंगे on taking, curl of equation number four. तो जो Maxwell की fourth equation है उसका हम curl लेंगे यानी कि ये हो जाएगा डेल क्रॉस डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू सॉरी नॉट फोर्थ थर्ड तो थर्ड है ना E E जिसमें आ रहा है उसमें हम लेंगे यहाँ पे ओके okay, तो थर्ड वाली इक्वेशन में जब हम यहाँ पे इसका कर्ल लेंगे तो थर्ड वाले इक्वेशन में तो ये आ जाएगा ई वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जाएगा डेल डेल अपॉन ये टी अब हमने इसका कर्ल लिया है तो एच वैक्टर में भी कर्ल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि इसमें कर्ल का जो थ्योरम है वो अप्लाई करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेल जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा अब यहाँ पे ये फॉर्मूला एक बन रहा है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब भी वेक्टर 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 क्रॉस क्रॉस इस टाइप से प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं बी वेक्टर को बाहर लिखते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे ए डॉट सी वेक्टर माइनस क्या होता है यहाँ से अब हम सी को बाहर लिखते हैं यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर और ये हो जाएगा यहाँ पे सी वैक्टर तो हम क्या करेंगे इसको इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो मतलब सबसे पहले हम इस डेल को बाहर लिखेंगे और अंदर क्या हो जाएगा डेल डॉट ई वैक्टर हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे डेल डॉट डेल हो जाएगा और उसके बाद में हम यहाँ पे ई वैक्टर को बाहर लिखेंगे मतलब सी को बाहर लिख देंगे इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू डेल अपॉन डेल टी हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल क्रॉस एच वेक्टर अब हम यहाँ पे ये क्या करेंगे डेल क्रॉस एक्स वेक्टर कहाँ से लाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर से तो जो ये वाली वैल्यू है वो क्या करेंगे हम कर देंगे तो इक्वेशन नंबर फोर से हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे एंड हम यहाँ पे बात करेंगे आगे अब क्या करना है यहाँ पे ये जो है ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन डेल डॉट ई जो कि है क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म जो है वो पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया तो ये आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई वैक्टर इज माइनस ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी हो जाएगा सो ना अब हम क्या करेंगे अपॉन ये हो जाएगा डेल टी, टी अब क्या करेंगे दिस इज ईके अब हम क्या करेंगे इसको टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होते हैं आगे हमारे पास में डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू डेल अपॉन डेल टी और ये हो जाएगा सिग्मा ई e वेक्टर प्लस यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे म्यू डेल अपॉन डेल टी ये हो जाएगा एपसाइल इन टू डेल ई वैक्टर अपॉन डेल टी तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ओके इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा डेल स्क्वायर ई वैक्टर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा म्यू डेल अपॉन टी हो जाएगा यानी कि मैं सिग्मा को बाहर लिख देता हूँ तो ये सिग्मा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल ई वैक्टर अपॉन डेल टी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एपसाइलन को बाहर लिखेंगे तो म्यू इंटू एपलन इन टू ये आ जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर फाइव अब इस इक्वेशन नंबर फाइव है अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फोर का कर लेंगे फिर पहले हमने थर्ड का कर ले लिया था अब हम इक्वेशन नंबर फोर का यहाँ पे कर लेंगे सो लिखेंगे ऑन टेकिंग यहाँ पे ऑन टेकिंग सो ऑन टेकिंग ये इक्वेशन नंबर अगर हमने थ्री का कर्ल लिया है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड के लिए होगा अब हम मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड के लिए बात करेंगे सो so, यहाँ क्या लिखेंगे ऑल ऑन टेकिंग कर्ल हम क्या करेंगे इसका कर्ल लेंगे ऑन टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर फोर्थ तो इक्वेशन नंबर फोर्थ जो है उसका कर्ल लेने पर हमारे पास में आएगा डेल क्रॉस डेल क्रॉस एच वैक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई वैक्टर क्योंकि सिगमा इंटू ई है प्लस ये आ जाएगा एप्साइलन डेल अपॉन डेल टी और यहाँ पर आ रहा है सिग्मा सॉरी डेल क्रॉस ई वेक्टर यू कैन सी हियर ये हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन है हम इसको क्या करेंगे डेल से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी डेल क्रॉस हो जाएगा इधर ओके यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेल क्रॉस हो जाएगा तो ये सारा क्या करना अपने को कर लेना है जब भी हम कर्ल करते हैं तो डेल का क्रॉस प्रोडक्ट उसके साथ में किया जाता है सो so, अब हम यहाँ पे वापस आते हैं अब हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो so, नाउ अब हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो वापस वही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर तो हम क्या करेंगे डेल वैक्टर को बाहर लिखेंगे यानी कि एक डेल को बाहर लिखेंगे और अंदर आ जाएगा डेल डॉट ई वैक्टर डेल तो डॉट एच वैक्टर तो ये हो जाएगा डेल डॉट एच वैक्टर इज इक्वल्स टू सॉरी नॉट माइनस ये हो जाएगा फिर आएगा डेल डॉट डेल इनटू यहाँ आ जाएगा एच वैक्टर इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाला जो है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री से तो ये आ जाएगा माइनस uh, सिग्मा इंटू म्यू और ये आ जाएगा डेल एच वैक्टर अपॉन डेल टी तो ये हम कहां से लाए? क्वेशन थ्री देंगे तो से प्लस ये लिखा है पे. Plus ये हो जाएगा एप्साइलन डेल अपॉन डेल टी एंड अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री इसमें भी हम क्या कर देंगे वो सेम काम करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सायलन और माइनस हट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में है. ये प्लस नहीं आएगा अब माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस म्यू है ना तो ये आ जाएगा माइनस म्यू डेल डेल एच अपॉन हो जाएगा टी अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू जो है वो जीरो मिल रही है तो अगेन ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास में माइनस कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा सिग्मा म्यू डेल एच वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा डेल टी एंड uh, ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस न्यू एपसाइलेंट डेल एच वैक्टर अपॉन ही हो जाएगा डेल टी

अब हम इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लिखेंगे लेट द सॉल्यूशन ऑफ ई एम डब्ल्यू अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर आयोटा के वैक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ई हो जाएगा ओमेगा टी दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन और अगर एच वैक्टर के अलॉन्ग बात करते हैं तो ये एच वैक्टर एच नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा के वैक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ये हो जाएगा आप फाइव एंड सेवन को लें देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस ये समझ सकते हैं इक्वेशन नंबर फाइव जो है वो इलेक्ट्रो जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर का जो सोल्यूशन है वो इक्वेशन नंबर सेवन में है। So, हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव एंड सेवन तो इक्वेशन नंबर फाइव एंड सेवन में हम क्या करेंगे उसके सॉल्यूशन को so, हम यहाँ लिखेंगे तो जो इक्वेशन नंबर फाइव है हमारे पास में दैट इज द डेल स्क्वायर ओके अब क्या करेंगे जहां जहां ई है वहां पे ये रख देंगे तो so, जहां जहां ई है वहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ये हो जाएगा ई नॉट ई टू दावर माइनस ई टू दावर आयोटा वेक्टर ये हो जाएगा के वेक्टर आर वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा फिर वहां है हमारे पास में माइनस सिग्मा ओके माइनस सिग्मा म्यू ये आप देख सकते मतलब इन सबको क्या करेंगे एक तरफ लाएंगे। एक तरफ तरफ लाएंगे लाने के बाद में जो में जो हमारे पास टर्म आएगा वो लिखेंगे अभी जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस सिग्मा म्यू हो जाएगा ये माइनस सिग्मा म्यू होगा और वहां पर आ रहा है डेल डॉट सॉरी डेल ओवर डेल डेल्टी है ना डेल ओवर डेल डेल्टी और ये आ जाएगा हमारे पास में ई डॉट ई टू दावर आयोटा के वैक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा फिर आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे म्यू इन टू एप्साइलन और यहाँ पे आगे आ रहा है डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर और ये हो जाएगा ई नॉट ई टू द पावर आयोटा के वैक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू तो जीरो अब ये पूरा टर्म जो है इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पार्शियल डेरिवेटिव अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अब ये जो डेल लिखा है इस डेल का मतलब क्या होता है डेल का मतलब होता है डेल का मतलब यहां पे हम लिखेंगे डेल एक्स ये, ये जो होता है वो हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड के कैप अब हमारा जो वेव का प्रोपोगेशन होता है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओनली एंड ओनली डे एक्स लिखेंगे इसकी जगह पे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में प्रोपोजेशन है बाकी दोनों बाकी सब जीरो हो जाएंगे तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा ई नॉड e टू दीप e और आयोटा k वेक्टर r वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा t ये हो जाएगा माइनस सिग्मा ओमेगा अब इसका t के रेस्पेक्ट में हम अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो e नॉड एज इट इज रहेगा e टू दी पावर यानी कि e टू दी e, e की e टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e रेस्ट टू पावर x ही होता है तो हम एज इट इज लिख देंगे इसको कोई फर्क नहीं होगा उसमें बट जो यहां पे लिखा है उसका वापस आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे यहां पे जो लिखा है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे सो तो के आर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा टी इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे अब हम इस टर्म की बात करते हैं तो इस टर्म में भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे म्यू एपसाइल लिख दिया उसके बाद में ई नॉट एज इट इज आएगा चाहे हम दो अब इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार करेंगे तो भी अजिटी आएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट रहेगा अगेन यहाँ पे वापस ई का आप कितनी बार भी कर दीजिए ई का आंसर ई ही आता है तो ये आपके पास में आ जाएगा बट इसका क्या करना पड़ेगा आपको डबल डेरिवेटिव फाइन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टी तो जब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइन करेंगे तो डेल टू अपॉन टी हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा आयोटा इंटू के वेक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो इसका हमको क्या करना पड़ेगा डबल बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x तो है ही नहीं हम इसका करेंगे कैसे तो r जो होता है ना इस r का मतलब है x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अगर हम इसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये जीरो ये वन हो जाएगा ये जीरो होगा और ये जीरो होगा ये जीरो हो जाएंगे ये वन हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन इसके से हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन के से होगा तो जो हमारे पास में आंसर आएगा वो क्या आएगा अब डबल बार डेरिवेटिव हो रहा है चाहे एक बार करो चाहे दो बार करो डेरिवेटिव कैसा हो रहा है डबल डेरिवेटिव हो रहा है तो चाहे कितनी बार भी अगर अब डबल डेरिवेटिव हो रहा है सिंगल डेरिवेटिव में जो हमारे पास में आंसर आएगा वो ये आएगा यहाँ पे आयोटा हो जाएगा ये के वैक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ओमेगा टी अब डबल बार डेरिवेटिव करेंगे तो भी यही आएगा यह, यह पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा बट इसका मैं अगर एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो वो आएगा मेरे पास में यहाँ पे आयोटा इन टू के क्योंकि के जो है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा बाकी दोनों तीनों बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे तो के आ जाएगा अब एक बार और करेंगे तो अगेन मेरे पास में आयोटा इन टू के स्क्वायर आएगा तो हम इसको क्या लिख देंगे आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर ओके देन हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा म्यू ई नॉट ई टू दावर माइनस आयोटा के आर वैक्टर

टू ओमेगा आ जाएगा टी का वन हो जाएगा तो आयोटा इन टू ओमेगा आएगा वो भी माइनस का क्या माइनस लगा है फिर हम बात करते हैं इस वाले टर्म के लिए दिया हो जाएगा माइनस ओमेगा एप्साइलन e नॉट e टू पावर आयोटा k वेक्टर r वेक्टर माइनस ओमेगा t फिर ये इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आएगा माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा जब तो हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो यार उसको क्या लिख दूंगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस तो स्क्वायर करने में प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन तो अब यहां से क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है

और ये आ जाएगा आपके पास में म्यू इन टू ओके ये आ जाएगा आपके पास में आ, यहां पे म्यू इनटू एपसाइलन ये म्यू इनटू एपसाइलन इनटू ओमेगा स्क्वायर और पूरा टर्म जो है कॉमन आ रहा है ई नॉड ई टू पावर आयोटा के वैक्टर आर वैक्टर माइनस ओमेगा टी का तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू में जीरो अब हम इसको तो जीरो कर नहीं सकते तो इसको जीरो कर लेंगे तो इसको जब हम जीरो करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ के स्क्वायर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सिग्मा म्यू आयोटा ओमेगा प्लस ये हो जाएगा आ, म्यू एप्साइलन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू तो जीरो यानी कि इस वाले टर्म को हम जीरो पुट कर देंगे तो इसको हमने जीरो पुट किया तो अब हम यहाँ पे के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एप्साइलन ओमेगा स्क्वायर और उधर ये जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा म्यू आयोटा ओमेगा अब ये आ जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर आई थिंक दैट इज एट एंड नाइन इसको हम इक्वेशन नंबर नाइन लगा देंगे तो ये इक्वेशन नंबर नाइन है इसका हम कंपेरिजन करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर से तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ जनरली के इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है okay, ओके तो ये क्या हो जाएगा इसका रियल पार्ट होगा और ये आयोटा इनटू क्या हो जाएगा उसका इमेजनरी पार्ट होगा तो हमेशा ध्यान रखें ये इसका क्या होता है रियल पार्ट होता है अब मैं स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ ना इधर भी, K है, भी K, तो K square, के है इधर भी के है के स्क्वायर उधर के है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता लेकिन, है लेकिन आयोटा स्क्वायर आएगा इसलिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर एंड देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू आयोटा अल्फा बीटा अब ये जो पार्ट है वो इसका कौन सा पार्ट है रियल पार्ट है और ये जो पार्ट है वो कौन सा है इमेजनरी पार्ट है अब हम कौन सा यूज करेंगे इसका रियल पार्ट कंपेयर करेंगे ना इक्वेशन नंबर ये टेन हो जाएगा अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर नाइन एंड टेन नाइन एंड टेन को कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट से रियल पार्ट को कंपेयर इसको कंपेयर करेंगे और इमेजनरी से इमेजनरी तो यहाँ पे अगर मैं रियल पार्ट की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एप्साइलन ओमेगा स्क्वायर यानी कि ये इसका रियल पार्ट है दूसरा अगर मैं आयोटा की बात करता हूँ तो यानी कि टू अल्फा बीटा इसका इमेजनरी पार्ट होगा तो यहाँ से आयोटा को हटाएंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा म्यू ओमेगा तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर इलेवन एंड इक्वेशन नंबर ट्वेल्व अब इक्वेशन नंबर ट्वेल्व से हम बीटा की वैल्यू फाइन करेंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू अल्फा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर ट्वेल्व लिख देंगे तो ये आएगा हमारा इक्वेशन नंबर ट्वेल्व इस इक्वेशन नंबर ट्वेल्व को इक्वेशन नंबर इलेवन में पुट करेंगे तो जब हम इसमें इसको पुट करेंगे तो एक क्वाडिटिक इक्वेशन बनेगी अल्फा पावर फोर में यानी कि कैसे बनेगी अल्फा स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू अल्फा का स्क्वायर करेंगे जो कि इक्वल होगा म्यू एब्साइलन ओमेगा स्क्वायर के अब हम इसका स्क्वायर फाइन करेंगे और एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा फोर अल्फा पावर फोर माइनस ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये इधर आएगा वापस तो ये हो जाएगा फोर एप्साइलन ओमेगा स्क्वायर सॉरी दैट इज नॉट हाँ फोर इधर आएगा तो फोर एल्फा स्क्वायर म्यू एपसाइलन ओमेगा स्क्वायर तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही अल्फा स्क्वायर के फॉर्मेट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हम यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी फोर अल्फा पावर फोर माइनस फोर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो यहां पे आपके पास में जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी है वो ये है अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किस फॉर्मेट में अल्फा स्क्वायर के फॉर्मेट में यहां पे हम लिखेंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एल्फा स्क्वायर तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए वाला फार्मूला है वो यहाँ में अप्लाई करेंगे तो वो फार्मूला जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में यहाँ पे एल्फा uh, स्क्वायर अब एल्फा पावर फोर है तो एल्फा स्क्वायर लिखेंगे अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स लिखते एक्स पावर फोर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर आएगा माइनस बी यानी कि ये टर्म बी है तो माइनस बी मतलब प्लस फोर म्यू ये हो जाएगा प्लस फोर uh, म्यू ये आ जाएगा हमारे पास में फोर ये होगा म्यू ये होगा एप्सिलॉन और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर तो फोर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस हम लिखेंगे यहाँ पे रूट ऑफ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ अब हम इस पे इस पर रूट लगाएंगे तो रूट लगाने पे हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी okay. अब हम यहाँ पे इस पे रूट लगाएंगे तो रूट लगाने पे बी स्क्वायर बी मतलब क्या हो जाएगा ये सिक्सटीन ओमेगा स्क्वायर एपसाइलन स्क्वायर ओमेगा पावर फोर माइनस ये हो जाएगा फोर इन टू ए ए कौन है फोर ए यहाँ पे कितना है फोर है और इंटू सी सी वाला टर्म ये है तो ये आएगा माइनस म्यू स्क्वायर 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 सिग्मा ओमेगा अपॉन करेंगे पूरा तो ये पूरा अपॉन करने पे क्या आ जाएगा टू ए आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू इंटू फोर तो ये होगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू फोर म्यू एप्साइलन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ रूट को मैं वन बाई टू लिख दूंगा और ये हो जाएगा सिक्सटीन ओमेगा सॉरी म्यू स्क्वायर एप्साइलन स्क्वायर ओमेगा पावर फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन ओमेगा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर वन बाई टू हो जाएगा और इसके अपॉन में जो है वो क्या आ जाएगा आगे हम लिख देंगे इसके अपॉन में आएगा हमारे पास में यहाँ पे इसके अपॉन में आ जाएगा एट ये हमने लिख दिया एट अब हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर म्यू एप्साइलन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस सिक्सटीन अगर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा फोर बन जाएगा ये जो सिक्सटीन है इसका स्क्वायर रूट अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा अब इधर भी म्यू स्क्वायर है इधर भी म्यू स्क्वायर है तो म्यू स्क्वायर जब बाहर आएगा तो म्यू बन जाएगा इधर ओमेगा पावर फोर है उधर ओमेगा स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो ओमेगा बन जाएगा अंदर जो टर्म है वो है एप्साइलन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर पावर वन बाई टू अपन में यहाँ पे आ जाएगा एट अब यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा एट आएगा हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं अब ओमेगा स्क्वायर मुझे एक बार और बाहर निकालना और एक एप्साइलन बाहर निकालना अब हम इसको अगेन यहाँ पे लिख रहे हैं ये सेम टर्म लिख रहे हैं एप्साइलन सॉरी ओमेगा एप्साइलन और ओमेगा स्क्वायर ये कैसा आया

फोर एप्साइलन ओमेगा म्यू ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे अपॉन में एट लिख देंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस ऑफ़ सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओके अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे कट होगा तो टू टाइम्स कट हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाई टू म्यू एपसाइलन ओमेगा स्क्वायर वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर ओमेगा ये सिस्टम है हमारे पास में हमारे इक्वेशन नंबर यहाँ पे ट्वेल्व तक हो गया था इसको हम इक्वेशन नंबर थर्टीन कह देंगे और ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन नंबर फोर्टीन अब ये जो इक्वेशन नंबर फोर्टीन है वो अल्फा है अगर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है तो एल्फा स्क्वायेर है ना तो अब मैं एल्फा की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा वन बाई टू म्यू एप्साइलन ओमेगा स्क्वायर वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस सिग्मा स्क्वायर एप्साइलन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर यहाँ पे वन बाई फोर आ जाए सॉरी वन बाई टू आ जाएगा रूट है ना स्क्वायर रूट को इधर लाएंगे तो वन बाई टू आ जाएगा तो हम क्या करते हैं इसको एप्साइलन इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फोर्टीन कंसिडर करते हैं अब इस एल्फा की वैल्यू को हम इस वाले में बीटा में कहीं पे भी पुट कर देंगे ना ये जो बीटा हमने फाइंड किया है इसमें यहां पे पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर ट्वेल्व यहाँ पे क्या लिखेंगे पुट पुट इन इक्वेशन इक्वेशन नंबर नंबर अब हम इसको equation number 12 में put करेंगे तो पुट करके सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्ट लिख देना चाहिए तो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो तो आपको डायरेक्ट मिलेगी दैट इज द वन बाई टू एपसाइलन ओमेगा सॉरी नॉट ओमेगा दैट इज दू इन टू एप्साइलन ओमेगा स्क्वायर अब यहां पे क्या करना है रूट ऑफ वन प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ओमेगा माइनस वन करना और इसकी पावर क्या करना बट इस, इसको क्या करना यहाँ पे माइनस वन कर दो ये आ गया आपके पास में बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फिफ्टीन इस टाइप से हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फोर्टीन एंड फिफ्टीन से हमने एल्फा एंड बीटा फाइंड किया अब एल्फा एंड बीटा जब हम फाइंड कर लेंगे तो जो हमारे पास में सोल्यूशन हमने कंसिडर किया है ना

इनटू क्या आएगा आर आ जाएगा माइनस क्या आएगा ओमेगा सिमिलरली अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ e यह e कि आयोटा 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 क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है इसलिए हम यहाँ पे माइनस वन पुट कर देंगे ओके तो ये आ जाएगा यहाँ पे बीटा आर को हमने अलग रख दिया और बाकी पूरा टर्म आयोटा अल्फा आर माइनस ओमेगा टी को हमने अलग कर दिया ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर सिक्सटीन और सिमिलरली इसी टाइप से एंड करके हम यहाँ पे लिखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए हुआ अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए लिखना है तो वो हो जाएगा एच नॉट ई टू दावर माइनस बीटा टा आर ई टू दावर आयोटा एल्फा आर माइनस ओमेगा टी इक्वेशन नंबर सेवनटीन ये इक्वेशन नंबर सिक्सटीन एंड सेवनटीन इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनकी इक्वेशन होती है कंडक्टिंग मीडियम के लिए और एक चीज ध्यान ये भी रखे कि यहाँ पे ई टू पावर माइनस बीटा आर जो है ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इसको क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट इसको यहाँ पे क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉन्स्टेंट कह दो या फिर एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट दूसरा यहाँ पे जो एल्फा होता उस है उस एल्फा को हम क्या कहते हैं अटेंडुंस अटेंडंस अटेंडुएंस प्रोफिशियंट uh, या अटेंडवेंस कॉन्स्टेंट ये क्या होता है कि जो फोटोन्स जो होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जो एब्जॉर्व हो रही है उस एब्जॉर्बसन का जो प्रोसेस होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है तो ये इन टर्म्स के मीनिंग होते हैं और ये यहाँ पे इस टाइप से हम एक कंडक्टिंग एक मीडियम की बात करते हैं कि किस टाइप से हमारे पास में वो वैल्यूज यहाँ पे आपको मिलती है सो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सो so, Thanks for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.